अच्छा आप यहाँ ड्यूटी पे हैं? क्या हाल है? मैं ड्यूटी पर। अच्छा सुबह कितने बजे से यहाँ पर भीड़ लगी हुई? मुझे पता भैया। अच्छा इनको भाई एक मिनट वो दबा दो, पीछे लो आप, पीछे लो थोड़ा। आजकल मंदिरों में पूरा मेला लगा हुआ है, पुलिस ड्यूटी नहीं लगी हुई अभी, नहीं गाड़ी देख रहा था पुलिस तो चले गए। तो यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा है अभी? सब हम ही देखते हैं मंदिर के। अच्छा मंदिर का लगभग मैं आपको बताऊं तो 500 मीटर तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और मंदिर देखो आप, जो फ्रंट पे लगे हैं ना उनको पूछते हैं कि वो कितने बजे आए, लाइन पे कितने बजे लगे और मंदिर प्रांगण में पहुँचने में कितना टाइम इनको लगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके नवरात्रे बहुत ही अच्छी तरीके से जाएं, माता जी आपकी सभी मनोकामना को पूरी करें। और चलिए आजकल मैं देहरादून में हूँ, आपको तो पता ही है, और देहरादून में क्या माहौल चल रहा है आजकल नवरात्रों को लेके वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा नवरात्रों के टाइम पे जाटकाली मंदिर, जो कि सबसे फेमस मंदिर है अभी पूरे उत्तराखंड का, देहरादून का, देहरादून में है और ये अपना आसरोड़ी चेक पोस्ट से पहले पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो इस टनल को तो आप पहचान ही रहे होंगे, वो देख रहे हैं पीछे तक लाइन लगी हुई है इस टनल से, ठीक है? ये देखो आप, यहाँ से लाइन है और लाइन देखना आप कंटिन्यू लगी हुई है, ठीक है? चलिए पूछ लेते हैं इनसे जरा कि कितने बजे यहाँ पर लोग आए थे। और लगभग मैं आपको बताऊं तो 500 मीटर तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और मंदिर देखो आप, आज जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है कि टनल खोली गई है, टनल से नहीं निकले कोई भी। देखो पार्किंग की भी जगह नहीं बची हुई भाई, बताओ। ये देखिए जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ तो जो टनल अभी खोली गई है आशा रोड़ी वाली, लेकिन उससे क्या है कि ज़्यादा ट्रैफिक अभी मंदिर के चलते ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है। और ट्रैफिक देखो आप, जाम तो लग ही रहा है, उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो श्रद्धालु लोग लाइन पे लगे हुए हैं सुबह से। आप कितने बजे आए हो? लगभग लगभग ये एक घंटा है। एक घंटा हो गया? अरे वाह, एक घंटे से लाइन पे खड़े हैं और अभी भी ये कम से कम 100 मीटर पीछे हैं मंदिर से। और मंदिर के हालत में आपको दिखाऊं तो मेन डोर जो है, मेन गेट अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ चुके हैं अभी। और आजकल नवरात्रों के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ जो देखने को मिलती है वो मंदिरों में मिलती है। उससे ज़्यादा मैं आपको दिखाऊं तो डाटकाली मंदिर ज़्यादातर फेमस है कि जब भी कोई नया व्हीकल अपना लेता है तो यहाँ पर पूजा करवाने ज़रूर आता है। और नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। अच्छा आप यहाँ ड्यूटी पे हैं? क्या हाल है? मैं ड्यूटी पर। अच्छा सुबह कितने बजे से यहाँ पर भीड़ लगी हुई? मुझे पता भैया। अच्छा इनको नहीं पता, हम ही बता देते। चलिए ठीक है ठीक है। ये देखिए आप भीड़ देखिए और कितने सारे लोग, मतलब श्रद्धा देखिए आप कि हिंदुस्तान को जैसे आप जानते हैं कि मान्यताओं का देश कहा जाता है। पहुंच गया मंदिर प्रांगण में, आप ये देखिए, आप ये है मंदिर प्रांगण और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि पीछे तक लाइन लगी हुई है पूरी। यहाँ पर फूल की शॉप है, यहाँ से आप फूल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अब मैं मेन गेट आपको बताता हूँ, एंट्री यहाँ से हो रही है। दूसरा आप ये देखिए, ये देखिए ये प्रांगण है जो कि मेन डाटकाली मंदिर का, गेट अभी बंद कर दिया गया है, अंदर पूरी भीड़ है अभी। भैया सुबह की एंट्री कितने बजे है? हाँ सुबह 4 बजे से एंट्री है। और रात को कितने बजे तक क्लोज करते हैं? कोई आइडिया नहीं है अभी। तो ये जो मेन गेट है अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ड्यूटी भी लगी हुई है। और आजकल क्या है कि मॉर्निंग 4 बजे गेट खोल दिया जाता है, सुबह 4 बजे से दर्शन हो रहे हैं और रात को इनको आइडिया नहीं कि कब तक चलेगा, लेकिन सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर मौका मिल जाता है दर्शन का। और पूजा सामग्री गेट के बाहर ही आपको मिल जाएगी। और नवरात्रों का आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं ये माता जी की मूर्ति है। और सबसे बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या है कि भीड़ जो है सबसे ज़्यादा लोकल जो देहरादून में रहते हैं वो, और जो सहारनपुर नियर अबाउट पड़ता है वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और
नवरात्रों के टाइम पे लगभग 9 दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो कोशिश ये करें कि मॉर्निंग में जल्दी घर से निकलें। 4 बजे से यहाँ पर एंट्री हो जाती है, तो आप लगभग 5 बजे तक पहुँच जाएं। 5 बजे अगर आप आ जाते हैं तो आपको टाइम पे दर्शन करने को मिल जाएगा। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है, और श्रद्धालुओं की कमी नहीं हमारे भारत में। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप नियर अबाउट देहरादून के रहते हैं तो आपको जो है किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। लेकिन देखिए, सेटिंग हर जगह हो जाएगी लेकिन मंदिर में नहीं होगी। लाइन देख रहे हैं आप, तो लाइन लगी हुई है, कम से कम 1 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं। चलो सबसे पहले हम ये, चलो मैं तो आगे वालों से पूछा ही नहीं, आगे वालों से पूछना था कि ये कितने बजे आए हैं। जो फ्रंट पे लगे हैं ना, उनको पूछते हैं क्यों कितने बजे आए, लाइन पे कितने बजे लगे, और मंदिर प्रांगण में पहुंचने में कितना टाइम इनको लगा है। केवल एक छोटा सा जायजा लेना चाहूंगा मैं। जो अभी गेट पे पहुंचने वाले हैं इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? राम बाबू। ये सुबह कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? सुबह नहीं, अभी 10 बजे के करीब। 10 बजे आए हो, लाइन पे पीछे से लगे थे आप? तो कितने बजे लाइन पे लगे? 10 बजे? हाँ, 10:10 तक की लग गए। और अभी टाइम हो रहा 11:30, सॉरी। तो 1.5 घंटा लग रहा है मंदिर के गेट तक पहुँचने में लाइन से। लाइन उस टाइम कितनी लंबी थी? अच्छा, यहीं तक। तो अभी जो टनल के पास लगे हुए हैं, तो आप मान के चलो उनको 2 से 2.5 घंटे तो लगते हैं। फिर भी गेट में पूछ लेता हूँ एक बार आपकी जान निकले। हेलो सर, ये आपकी एंट्री कितने बजे से है? सुबह। हाँ, सुबह कितने बजे से है? 5 बजे से। 5 बजे से दर्शन के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और शाम को कितने बजे तक? शाम को 8 बजे तक। 8 बजे, 7:30 तक आरती होती है। अच्छा अच्छा, एक चीज और जाननी थी आपसे, एक दिन में कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन? फिलहाल तो नवरात्र है भैया, यहाँ तो छह जगह भीड़ इस टाइम। कोई अप्रोक्सीमेट कितने आ जाते हैं? 1,000, 2,000, 3,000? अंदाजी लगा सकते हैं। मतलब अंदाजा नहीं है, बहुत आते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है आप? प्रशासन ही नहीं है कोई, देखो कौन है। पुलिस ड्यूटी नहीं लगी हुई अभी, मैं गाड़ी देख रहा था पुलिस, वो तो चले गए। तो यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा है अभी? सब हम ही देखते हैं, मंदिर के स्टाफ। अच्छा, मंदिर का स्टाफ है। तो कितना स्टाफ है आपके पास अभी? जो भी कर्मचारी हमारे, महाराज जी बताएंगे, अंदर बैठे हैं भैया। अच्छा, अंदर आप पीछे से अंदर जा सकते हो, पीछे वाले गेट। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है, सबसे मेन चीज ये है। और चलिए, मैं टीम के साथ अंदर, अगर हमको मौका मिलता है जाने का तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और मेन चीज क्या है कि न्यूज पोर्टल के लिए अगर मैं ब्लॉग जरूर शूट करता तो मैं अंदर जाके इंटरव्यू ले लेता, लेकिन बेस्ट थिंग ये है कि एक दिन में 8,000 से 10,000 श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और जो अभी मैंने सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू लिया, 10 बजे यहाँ पर आए हैं और 11:30 बजे उनका नंबर आ रहा है, यानी कि 1.5 घंटे तक लाइन में वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी टनल पे लगे हैं उनका टाइम सब अप्रोक्सीमेट में बताऊं तो 2 से 2.5 घंटे उनको लगेंगे मंदिर प्रांगण में पहुंचने के लिए। और प्रांगण का गेट अभी क्लोज कर रखा है क्योंकि अंदर अभी आरती चल रही है, और बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ तक लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर एक जायज़ा ले लें अगर हम, कि लाइन में ये कितने बजे आए हैं? सर आपका नाम क्या है? विकास। कितने बजे लाइन पे लगे हैं आप? अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट पहले यहीं पे लगे थे, पीछे लगे थे? लास्ट में लगे थे। 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। हाँ, फिर भी आधा एक घंटा तो और लगेगा आगे पहुँचने में। तो अभी मंदिर प्रांगण में मेरी जो बात हुई है उनका जो अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, तो 10,000 से 15,000 श्रद्धालु एक दिन में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरे देखने में तो कोई दिख नहीं रहा अभी। और जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो रहा है उसके जिम्मेदारी कौन लेगा, ये समझ नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं, वैसे आज 3रा दिन है तो अभी 3 दिन बाद देखते हैं और क्या होता है, 6 दिन और बचे हुए हैं। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, मेन आसरोड़ी टनल पे जाके देखेंगे हम कि वहाँ पर प्रशासन की क्या व्यवस्था है। तो चलिए निकले हैं अभी। जाम की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। जाम की हालत देखो आप, कि मतलब क्राउड इतना ज्यादा है, बीच में ट्रक भी फंसा दिए ना भाई, ये देख रहे हो आप। तो अगर आप दर्शन करने आना चाहते हो तो मैं एक ही आपको सजेस्ट करूंगा कि टनल से पीछे आप गाड़ी पार कर लें, और उसके बाद वहां से पैदल आए तो आपको जल्दी दर्शन भी हो जाएंगे, नहीं तो गाड़ी फंस गई तो गाड़ी निकालने में ही आपको 2 घंटे लग जाएंगे। ये देखो आप हालत देखो, बहुत बुरे हाल है भाई साहब।
यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है बैक करके जाओ और पीछे टनल से घूम के निकलना पड़ेगा। चले जाम तो खुलवा रहे हैं, क्या करें, खुलाना तो पड़ेगा ही। ले भाई, लो लो आगे लो, जल्दी लो, ये ट्रक निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए फाइनली जाम तो खुल गया है। लाओ 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 आगे लाओ। ये कौन चला रहा है गाड़ी? इसमें लाइट खोल के चल भाई। ये देख रहे हो टनल के अंदर के हाल, देखो आप। अब इसके ड्राइवर कौन है इसमें? बैठो 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 बैठो, आराम से आराम से बैठो। ओ भाई ओ, एक मिनट वो दबा दिया उसने। पीछे लो आप, पीछे लो थोड़ा। चलिए फाइनली जो है जाम से जो खुल गया, लेकिन टनल पार भी जाम लगा है। आजकल मंदिरों में पूरा मेला लगा हुआ है और बहुत ज्यादा भीड़ है भाई साहब। इधर आप क्राउड देख सकते हैं गाड़ियां भाई साहब। देखा आपने, आधा घंटा लग गया हमको यार जाम से निकलने में। तो चलिए, बाकी आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और आप सभी को पता है कि आजकल मंदिरों में बहुत ज्यादा क्राउड होता है गाइस। सो फाइनली आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर उत्तराखंड, देहरादून या उत्तरकाशी या उत्तराखंड किसी भी जगह से अपडेट में रहना है तो आप अगर अभी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ये मेन टनल है जिसको बाईपास बनाया गया है डाक काली मंदिर से, और यहीं से ज्यादा ट्रैफिक निकल रहा है।